हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सब दा दोपहर दीआं खबरां दे मुख एपीसोड दे विच। आओ गल करदे हां पंजाब दीआं मुख खबरां दी। इस वेले दी जो पहली वड्डी खबर आ रही है जी, पंजाब दे विच करोना हो रहा बेकाबू। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दित्ती वड्डी चेतावनी। पंजाब दे विच करोना दा कहर दिनों दिन वधदा जा रहा है। शनिवार नूं करोना ने 7 होर व्यक्तियों की जान लै लई। इस मगरों क्यास लगाईआं जा रही हैं कि पंजाब दे विच मुड़ तों लॉकडाउन लग सकता है। उंज इस बारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कह दिता है कि जेकर हालात काबू तो बाहर होंदे हन तां कोई भी सख्त कदम चुकिया जा सकता है। दस दईए कि सूबे दे विच इस बीमारी के कारण मरण वाले का अंकड़ा 128 तक पहुँच चुका है। हुण तक 5179 लोगों को करोना होया ते इन्हां दे विचों 3320 व्यक्ति तंदुरुस्त होए। पंजाब सरकार ने खुद मनिया कि अजे हालात होर विगड़नगे ते अगस्त तक करोना चरण सीमा ते होवेगा, जिस दे रिजल्ट शायद माड़े भी हो सकते हैं, जिस दे चलदे पंजाब विच दोबारा तो लॉकडाउन दीआं लगाउण दीआं गल्लां हो रहीआं हन। अगली खबर जी, 30 जून के मगरों होवेगा लॉकडाउन, कैप्टन ने किया स्पष्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार कहा कि सूबे के 30 जून तो बाद लॉकडाउन अगे वधाउण का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह पंजाब दे विच इस वायरस का पसार रोकण दे लई कोई भी जरूरी कदम चुकण लई तैयार हैं। सूबे दे विच हुण तक करोना दे 5000 तो वध मामले सामने आ चुके हैं। कैप्टन ने फेसबुक लाइव दौरान कहा, जेकर असीं महामारी काबू करने समर्थ हाँ तो सानू लॉकडाउन लाने की लोड़ नहीं होगी, पर जेकर हालात कंट्रोल तो बाहर होए तो लॉकडाउन तो बिना कोई भी विकल्प नहीं होगा। तो 30 जून तो बाद पंजाब दे विच लॉकडाउन लगन दी संभावनावां भी सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के लोगों को करोना खिलाफ जारी किए नियमों की उलंघना ना करन दी अपील भी की। मास्क ना पहनने वाले 4000 तो वध लोगों का चलान किया गया, जनतक स्थावां ते थुक्कण वाले 45 लोगों का भी चलान कटिया गया। इस तो अगली खबर जी, साडी जमीन ते अख चुकण के देखण वालियां नूं भारत जवाब देना चंगी तरह जाणदा है। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज देशवासियों नाल मन की बात प्रोग्राम के जरिए देश नूं संबोधित उन्होंने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत करोना की आफत तो ही की। उन्होंने कहा कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यह साल कदों लंघेगा। लोग दोस्तों कह रहे हैं कि यह साल चंगा नहीं है, 2020 शुभ नहीं है। हो सकता है अजि गलबात के कुछ कारण भी हूँ। असी कितने जानते सी कि करोना जी भयानक आफत आ जाएगी। देश के नित नवीं चुनौतियां सामने आ रही हैं। देश के पूर्वी हिस्सों के तूफान आए, किसान भरा टिड्डी दल के हमले तो परेशान हैं। करोना की आफत में देश तालाबंदी तो बाहर निकल आया है। अनलॉक में करोना को हराने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर देना है। मोदी ने मास्क पहनने, 2 गज की दूरी का पालन करने को कहा। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री लद्दाख में हुई हिंसक झड़प बारे गलबात करते गए कि भारत वाल अख चुकण वाले नूं करारा जवाब मिलिया है। भारत मित्रता निभाउणा जाणदा है तो अख विच अख पा के देखना ते उचित जवाब देना भी चंगी तरह जाणदा है। साडे वीर फौजियों ने विखा दिता कि वह कदे भी मां भारत के माण ते मुसीबत नहीं आउण देणगे। लद्दाख में साडे जवान शहीद होए, उन्हां दे साहस नूं पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। अगली खबर जी, पंजाब दे विच करोना बेलगाम। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्रांसपोर्ट वास्ते किया एक वड्डा ऐलान। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करोना दे वध रहे केसां दे दरमियान ही बसां दे विच सवारियां लिजाण दी समर्था तो रोक हटा दिती है। तेल कीमतां विच लगातार होए वाधे दे मद्देनज़र यह ऐलान किया गया। हुण बस दे विच 100% ही सवारियां सफ़र कर सकदियां। उंज सफ़र दौरान सवारियों के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। सेहत माहरां का मनना है कि सरकार के इस फैसले के नाल पंजाब दे विच हालात होर भी खराब हो सकते हैं। कैप्टन ने अपने फेसबुक लाइव दौरान बसों के 50% यात्रियों की रोक हटा दी है। पहला यही ऐलान किया गया कि 50% सवारियां सिर्फ बसों के सफ़र कर सकनगे, इस तो ज़्यादा नहीं। पर हुण तेल के वधदे दामां नूं देखदे हुए ट्रांसपोर्ट वालियां दे पक्ष विच फैसला लेंदे हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 50% सवारी की शर्त नूं हटा दिता है। तो 100% सवारियां ही हुण बस दे विच सफ़र कर सकदियां हन, पर शर्त यह होगी कि हर सवारी मास्क पहन के ही सफ़र करेगी। अगली खबर जी, बाजी पलटी। हुण आड़ती किसानों नूं देणगे 28 करोड़ रुपए का ब्याज। हुण जेकर आड़ती किसानों की फसल की रो रकम दे विच देरी करनगे तो उन्होंने इस दे बदले ब्याज देना पवेगा। कणक की फसल की अदायगी दे विच 72 घंटे तो 20 दिन तक की देरी करने वाले आड़तियों नूं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट वालों नोटिस जारी होणगे। हरियाणा दे विच कुल 13,000 आड़तियों नूं 29 जून तक नोटिस जारी किए जाणगे।
ਇਹਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ 27,99,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,87,000 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। अगली खबर जी विद्यार्थियों के लिए वड्डी खबर, सुप्रीम कोर्ट वालों प्रीख्यावां रद्द। CBSE दियां 1 जुलाई तो 15 जुलाई तक होने वाली बाकी दियां प्रीख्यावां रद्द हो गई हैं। 12वीं के विद्यार्थियों का पिछलियां 3 प्रीख्यावां के आधार पर मुलांकन होगा, उन्होंने आधार पर रिजल्ट दिता जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल ने यह जानकारी दिती है। अगली खबर जी 10 साल बच्ची वालों गुरद्वारा साहब दाखिल होकर गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी। स्थानक शहर नेड़ले पिंड रामपुरा विखे दलित वर्ग नाल संबंधित एक 10 साल छोटी बच्ची वालों पिंड के एक गुरु घर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन पवित्र स्वरूप की बेअदबी किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना संबंधी जानकारी देंदे गुरु घर के ग्रंथी मनप्रीत सिंह ने दसाया कि 27 जून की सवेर में वह गुरु घर विखे सवेरे अमृत समय नितनेम की समाप्ति करने तो बाद जो अपने कमरे वालों चल गया तो इस बाद करीब 6 बजे पिंड की ही एक वसनीक 10 साल लड़की वालों गुरु घर के पालकी घर अंदर जाके श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप के 7 बन्नियां की बेदबी करके इस घटना को अंजाम दिता गया। ग्रंथी सिंह ने दसाया कि उक्त लड़की करीब 1 महीने तो ही गुरु घर विखे आने लगी सी। इस संबंधी पुलिस ने गुरु घर के प्रबंधकों सूचित कर दिता गया है। अगली खबर जी केजरीवाल ने कबूलिया इस वजह नाल दिल्ली विच कोरोना नाल होईयां ज़्यादातर मौतां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार कबूलिया कि हस्पतालों दे विच बिस्तरियां दी कमी कारण जून के पहले हफ्ते कोरोना कारण मरण वालों की गिणती वधी सी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा समय अजिही कोई भी कमी नहीं है। अगली खबर जी ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਲੱਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਭੀਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 250 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਲਾੜੇ ਪੱਖ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਅਜਿਹਾ ਫੈਲਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 15 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। 15 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਏ 127 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 6,26,600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਕੇਸ ਦਰਜ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,28,000 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 16,095 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 19,906 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ 410 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਸ਼। ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 5-5 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਲਡੋਮੀਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਲਡੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
57,527 मामले दर्ज किए गए सन, पर 21 मई तो 27 जून तक तकरीबन 37 दिन यह मामले 1 करोड़ तो पार पहुँच गए। इन्हों तो अंदाजा लगाया जा सकता है करोना की लाग किवें दिनों दिन पूरे विश्व के वड्डे पद्धर से लोगों अपनी लपेट के लै रही है। ये सन दोस्तों हुण तक दीआं पंजाब दीआं कुछ चोणवीआं खबरां, मुख खबरां जिन्हां दे नाल तुहानूं जाणू करवाया गया। उम्मीद करदे हां साडे वल्लों दित्ती गई जानकारी तुहानूं चंगी ते सटीक लगी होवेगी। जेकर वीडियो पसंद आई तां लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, नाल ही साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर देना। आउण वालीआं सारीआं वीडियो नूं देखण लई नोटिफिकेशन बैल दा आइकन भी ऑन कर देना। इस दे नाल ही खबरां दा अज दा एपीसोड इत्थे ही खत्म हुंदा है। अगला एपीसोड लै के जल्दी ही तुहाडे तक पेश होवांगे। तद तक दे लई रब रखा।